अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं, नई गाड़ी तुमने खरीदी है, छोटे बच्चे का जूता क्यों बांध दिया आगे तुमने? जूता बांधने से, अगर ये एक्सीडेंट से, हादसे से गाड़ी बच सकती होती है तो फिर पाकिस्तान के जितने PIA के जहाज हैं सब पर बांध देना चाहिए, सब पे जूते लटके हुए। अजीब तुमने फलसफा तराशा, किसी ने जो है वो काली रंग की पट्टी बांध दी नीचे, इससे इसको नजर नहीं लगेगी। घोड़े के पांव के नीचे जो खुरी लगी हुई होती है, कुछ लोगों ने अपने घरों में वो बांधी हुई होती है कि इससे हमारे घर के अंदर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। किसी ने हंडिया अपने घर के ऊपर उल्टी रखी हुई होती है, ये हंडिया बचा लेगी। और मियां हंडिया क्या बचाएगी तुझे, अल्लाह के कहर से कुछ नहीं बचा सकता। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नाजिल होनी है तो कुछ नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हो तो फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला की तस्बीह करो, अल्लाह की तहलील करो, मेरे हुजूर पे दरूद पढ़ो, फिर देखना कि मुसीबतें टलती हैं या नहीं टलती। तो ये खाम खा के रुकिए, और ये आमिल लोग जो हैं इनका तो काम ही यही है, इनका काम चलता है लोग ज़ौफ़ुल इत्तेक़ादी में मुबतला रहे हैं। और ये कह देते हैं कि आपके खानदान में एक मनहूस औरत है, ये उसका किया हुआ है, तो कोई ना कोई मनहूस तो पहले ही उन्होंने तय कर रखी होती है, फौरन ज़हन वहां जा क्लिक हो जाता है। उसका नून से नाम शुरू होता है, उसका काफ से नाम शुरू होता है, उसका जीम से नाम शुरू होता है, तो पूरे खानदान में किसी का नाम काफ, नून या जीम से तो शुरू होता ही होगा, या दोस्तों में, तो फौरन ज़हन जो है उधर मुंतकिल हो गया। अब ये बाबा जी ने बता दिया है, हाँ 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 उसने ये बात की थी, ये कुछ बातें याद आने लगी, उस काफ से शुरू होने वाले नाम के साथ नफरत पैदा हो गई। इस बाबे ने नफरत का कारोबार किया, इसने तो 100 रुपए 200 रुपए ले लिए, लेकिन दो इंसानों के अंदर नफरत डाल दी। इसका गिरेबान कल कयामत के दिन पकड़ा जाएगा। इन मलंगों के पास, इन ज़ौफ़ुल इत्तेक़ादी को फैलाने वालों के पास कभी ना जाओ। तुम्हें मुसीबत पड़ी है, तुम्हें लग रहा है कि शायद मेरे ऊपर जादू है, तो पढ़ो ना सूरह बकरा, जादू जड़ से उखड़ जाएगा। 40 दिन अपने घर में सूरह बकरा पढ़ो, बरकत होगी। कहते हैं मौली साहब 40 दिन तो नहीं पढ़ी जा सकती, अड़ाई पा रहे हमें कोई तावीज ही करते हैं। हम शॉर्टकट चाहते हैं ना, रोजाना सुबह अड़ाई पा रहे सूरह बकरा पढ़े, ये तो हमसे नहीं पढ़ी जाएगी, तो आप कोई तावीज ही लिखते हैं। कारोबार में बरकत नहीं, मैं कहता हूं पढ़ो ना सूरह वाकया, 3 रुकू हैं, बरकत होगी। हम कहते हैं हमें तावीज मिलना चाहिए, बस वो हम गले में रख लें, बटुए में रख लें, पर्स में रख लें, और हमारा काम हो जाए, हमें कुछ भी ना पढ़ना पड़े, हमें वुजू तक ना करना पड़े, नमाज ना पढ़नी पड़े, और बरकत हो जाए। ऐसे बरकत तो नहीं आती। इसलिए छोड़ो इनकी जान, आओ कुरान मजीद पे आओ, आओ सजदों पे आओ, आओ दुआओं पे आओ। सहरी के वक्त उसकी रहमतें आवाज दे रही होती हैं, हल में मुस्तरज़िकुन, है कोई रिजक मांगने वाला, और तुम उस वक्त सोए हुए हो, सारे दिन ठोकरें खाते हो। आओ ना उस वक्त झोली फैला के, हाथ फैला के कहो मालिक तू झोलियां भर दे, तो फिर देखना कभी कमी नहीं आएगी, अता फरमाएगा। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।